वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, क्या आप इस टाइप की वाटर जंपिंग वाला जो वीडियो होता है उसको एडिट करना चाहते हैं, बनाना चाहते हैं? इस टाइप के वीडियो में आपको मिलियंस ऑफ व्यू देखने को मिलेंगे और इसको बनाना इतना आसान है कि बच्चा भी कोई आए वो भी बना लेगा। तो चलिए आज की वीडियो में जानते हैं कि जो इस टाइप की वीडियो जो होते हैं कैसे बनाते हैं, कैसे एडिट करते हैं, और जो भी मटेरियल मैं यूज कर रही हूँ मैं करूंगी उसको भी मैं प्रोवाइड करूंगी, आपको दूंगी, और डाउनलोड कहाँ से करना है वो भी सिखा दूंगी और डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक भी दे दूंगी। तो वीडियो के अंदर में हम जानेंगे इसको डाउनलोड कहाँ से करना है। सो गाइस, यहाँ पर देखिए मैंने वीडियो को बनाया है, तो इस तरह से यहाँ पर जो वीडियो है कुछ इस तरह से बना हुआ है। आप इस टाइप से जो वीडियो बनाना चाहते हैं तो इस वीडियो को आप ध्यान से देखते रहिए। तो चलिए, उसके लिए आपको दो एप्लीकेशन की ज़रूरत पड़ेगा, जिसका नाम है, एक का नाम है बैकग्राउंड इरेजर और दूसरा जो है काइनमास्टर, जो कि वीडियो एडिट करने के लिए। चलिए काइनमास्टर को हम ओपन कर लेते हैं, क्लिक करना है और शॉर्ट वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना है, क्रेडिट पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको उस वीडियो को ले लेना है जो अभी अभी कैमरा से रिकॉर्ड किया है। ठीक है, तो मैंने वीडियो को रिकॉर्ड किया है कुछ इस तरह से। यहाँ से हम ट्रांसलेट, इसका कोड ट्रांसलेटिंग हो रहा है, हो भी गया। चलिए हम आपको दिखाते हैं कि वीडियो को हम कैसे यहाँ पे रिकॉर्ड किए हैं। देखिए कुछ इस तरह से जो है वीडियो को हमने रिकॉर्ड किया है यहाँ पे, और मैं यहाँ से गई थोड़ा सा, जब मतलब कि यहाँ पे आप जब कूदोगे उसके बाद थोड़ा सा इसको जगह छोड़ देना पीछे बेहतर है। ठीक है, तो ये तो मैं अकेले ही हूँ, आप चाहो तो दो तीन जो इंसान, दो तीन बच्चे ले आओ या फिर दोस्त हो कुछ कोई भी, तो दो तीन आदमी के साथ भी इसको कर सकते हो। कैसे करना है चलिए यहाँ से हम बताते हैं आपको। यहाँ पे मैंने खुदी और यहाँ से हम कट कर देंगे, और यहाँ पे आपको कैंची पे क्लिक करना है, और चलिए इसको हम छोटा कर लेते हैं ताकि हमें अच्छे से समझ आए। कैंची पे क्लिक करके बीच वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना है, फिर कट करना है। और मैं चली गई तो यहाँ पे जो खाली जगह बचा हुआ है यहाँ पे हम इसको कट करके इसको हम रिमूव कर देंगे, ऊपर वाले पे क्लिक कर देंगे। तो इधर से कट गया, अब कट जाने के बाद अब क्या करेंगे। ठीक है, यहाँ पे ये वाला जो है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एंड में आएंगे सबसे, और जहाँ हमने जो खुदा है, ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या करना है, बैकग्राउंड यहाँ पे एक पिक्चर लेना है, कैप्चर लेना है। यहाँ पे आप क्लिक कीजिएगा और क्लिक करके यहाँ पे क्लिक करना है और सेव इस पिक्चर, सबसे ऊपर वाले पे क्लिक कर देना है, तो ये पिक्चर आपको एक दे देगा। अब यहाँ से हमें डायरेक्ट वापस आना है बैकग्राउंड इरेजर में। ठीक है, बैकग्राउंड इरेजर को हम ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद यहाँ पे क्रिएट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे जो हमने स्क्रीन मतलब कैप्चर जो लिया है उसको यहाँ पे अपलोड कर देंगे, तो ये ऑटोमेटिक जो है बैकग्राउंड को रिमूव करके दे देगा। थोड़ा बहुत यहाँ पे जो है इसको इरेजर की मदद से रिमूव कर लेंगे कुछ इस तरह से। देखिए यहाँ पे अगल बगल की जो भी है इस तरह से हम रिमूव कर देंगे। अब चलिए यहाँ से हम बैक चलते हैं, सॉरी यहाँ पहले हम सेव कर लेते हैं, उसके बाद हम यहाँ पे क्लिक करके इसको हम सेव कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे चलिए हमने सेव कर लिया है, अब यहाँ से हम बैक आते हैं फिर से काइनमास्टर में, और यहाँ पे जहाँ पे हमने छलांग लगाया है यहाँ पे इसको थोड़ा सा और कर देंगे, और यहाँ पे हम लेयर पे जाएंगे, मीडिया में जाएंगे, और जो अभी अभी कैप्चर को हमने लिया है, रिमूव किया था बैकग्राउंड, उसको हम ले लेंगे, और लेने के बाद इसको हम बड़ा कर लेंगे, ऐसे बड़ा करेंगे और हम अपनी फ़ोटो के साथ इसको अटैच कर लेंगे अच्छे तरीके से। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इस फोटो को अटैच कर लेती हूँ, मतलब कि एडजस्ट कर लेती हूँ यहाँ पे, देखिए ये परफेक्ट है, इसको थोड़ा और छोटा करना होगा, तो इस तरह से कुछ हम इसको एडजस्ट कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने इसको एडजस्ट कर लिया है, आप तो एडजस्ट करने के बाद इसको हम थोड़ा छोटा कर देंगे, यहाँ पे रख देंगे, और रखने के बाद क्या करेंगे, आपको इस पर क्लिक करना है, एंड में आ जाना है। एंड में आने के बाद आपको यहाँ पे एक दिख रहा है ना, ये देखिए यहाँ की वाला ऑप्शन है, इस पर आपको क्लिक करना है और इस जो हमने अभी कैप्चर जो लिया है उसको हमें नीचे कर देना है। देखिए वीडियो को ध्यान से देखते रहिए, जो मैं मटेरियल में यूज करूँगी इसमें, जो आपने देखा मछली वाला वो मैं आपको बताऊंगी कहाँ से डाउनलोड करना है। अब कुछ वीडियो जो है कुछ इस तरह से, देखिए यहाँ पे मैं आई और यहाँ पे मैं छलांग लगाई,
कुछ इस तरह से मैं नीचे चली गई। अब क्या करना है आपको, तो ये फर्स्ट वाला लेयर है उस पर क्लिक करके थ्री डॉट पे क्लिक करना है और डुप्लीकेट लेयर पे क्लिक कर देना। देखिए नीचे वाले पे क्लिक कर दीजिएगा, यहाँ पे क्लिक करके यहाँ पे आएंगे स्पीड में। स्पीड में आके इसको हम यहाँ पे इतना कर देंगे 5, ठीक है। और इधर के पार्ट है इसको हम रिमूव कर देंगे, इजी पे क्लिक करके इधर वाले पार्ट को रिमूव कर देंगे। अब इसको क्या करना है, यहाँ पे आएंगे नीचे स्प्लिट स्क्रीन पे क्लिक करके फुल स्क्रीन करेंगे और यहाँ पे फुल करने के बाद इस पे क्लिक कर देंगे हाफ, हाफ पे क्लिक करेंगे और उसको नीचे ले आएंगे और यहाँ पे हम रख देंगे। अब देखिए कुछ वीडियो जो है हमारी कुछ इस तरह से बन गई। अब इसको हमें सेव कर लेना है, यहाँ पे हम सेव कर लेंगे, ठीक है। पहले इसको सेव कर लेते हैं। चलिए सेव हो चुका है, फिर से हम यहाँ पे क्लिक करके शॉर्ट वाला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, क्रिएट पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे जो है यहाँ पे इमेज एसएस पे क्लिक करके कोई भी इमेज एक ले लीजिए। लेने के बाद लेयर पे क्लिक कीजिए, मीडिया में जाइए और अभी अभी जो आपने फाइल मास्टर से जो कैप्चर लिया इसको हम यहाँ पे ले लेंगे। अब यहाँ पे इसको लेंगे और यहाँ पे स्प्लिट पे आकर फुल स्क्रीन कर देंगे। कर देने के बाद फिर से लेयर में जाएंगे, मीडिया में जाएंगे और जो हमने मछली वाला जो इफेक्ट है वो हम यहाँ पे ले लेंगे, ठीक है। यहाँ पे मछली वाला इफेक्ट हमने ले लिया, यहाँ से बड़ा हो इसको कट करके हटा देंगे बाकी के पार्ट और इधर से हम इसको बड़ा कर लेंगे और जहाँ से हम इस छलांग लगा रहे हैं यहाँ से यहाँ हम इसको सेट कर देंगे। जितना भी हमारा ग्रीन कपड़ा है जो ढक जाना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे देखिए जो हमारा ग्रीन कपड़ा है वो ढक जाना चाहिए। उसके बाद आपको क्या करना है, थ्री डॉट पे क्लिक करना है यहाँ पे और सेंड टू बैक सबसे नीचे वाला ऑप्शन पे, ये पे देखिए यहाँ पे मैं दिखा देती हूँ एक बार, इस पर आपको क्लिक करके सेंड टू बैक कर देना। बैक करने के बाद अब फिर से क्या करना है, इस प्लेयर पे क्लिक करना है वीडियो वाले भी कान मास्टर से हमने सेव किया है। नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद आपको क्रोमा की का ऑप्शन देखने को मिलेगा, यहाँ पे आपको क्लिक करके इनेबल कर देना है इसको, ठीक है। थोड़ा बहुत एडजस्ट कर लीजिएगा, अगर आपके कलर एडजस्ट नहीं हो पा रहे हैं तो कलर पे जाकर आपके कपड़े के जो भी कलर है ब्लू रेड वगैरह ग्रीन जो भी है आप यहाँ पे इसको एडजस्ट कर लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे चलिए मैं इसको ना थोड़ा एडजस्ट कर लेती हूँ, तो इस तरह से भाई परफेक्ट हो गया है। अब देखिए फाइनली हमारी जो वीडियो है कुछ इस तरह से जो है बनी है, देखिए यहाँ पे बनी है। जब हम यहाँ पे हम छलांग लगाएंगे ना, यहाँ पर एक इफेक्ट की ज़रूरत पड़ेगी जो कि ऐसा लगे कि सच में रियल में हम पानी में छलांग लगाए हैं। तो यहाँ पे उस इफेक्ट, यहाँ पे उस इफेक्ट को भी हम ले लेते हैं। तो हम फिर से लेयर में जाएंगे और मीडिया में जाएंगे और जो हमने डाउनलोड करके रखा हुआ इफेक्ट उसको हम यहाँ पर ले लेंगे, ठीक है। तो हमारे जो भी इफेक्ट चाहिए यहाँ पर हम उसको ले लेते हैं पहले, उसके बाद आपको दिखाते हैं हमें चाहिए ये वाला इफेक्ट, ठीक है। ये वाला जो हम पानी में जब नीचे गिरेंगे वो वाला इफेक्ट चाहिए, तो हम यहाँ पर इसको हम ला लेते हैं। देखिए पहले यहाँ पर ला कर इधर के जो पार्ट है इसको हम रिमूव कर दें, थोड़ा सा ही हमें चाहिए, ज़्यादा नहीं चाहिए। जब हम गिर रहे होंगे तब हमें चाहिए। हम चलिए इसको पहले बैकग्राउंड को रिमूव कर लेते हैं, नीचे आना है क्रोमा की में इसको क्लिक करके और थोड़ा बहुत एडजस्ट कर लेना भाई, ये रिमूव हो जाएगा बहुत आराम से रिमूव हो जाएगा। अब हम को ये देखना है कि हम जहाँ कूद रहे हैं वहाँ पे इस इफेक्ट को लगाना है। तो देखिए भाई देखिए भाई यहाँ पे हमने ले लिया है वाटर को और यहाँ जहाँ पे हम गिरेंगे वहाँ पर इसको थोड़ा एडजस्ट करके रख देना है जैसे कि रियल लगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इसको एडजस्ट करके रख दिया और कुछ इस तरह से जो है हमारी इफेक्ट रेडी हो गई है कुछ इस तरह से। यहाँ पे देखिए 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 एक बार देखिए ऐसा लग रहा था कि जैसे कि हमने सच में इसमें छलांग जो है लगा दिया। तो इस तरह से जो है आप इफेक्ट को लगा लीजिए यहाँ पे। अब इसको डाउनलोड कैसे करना है, कहाँ से करना है वो भी मैं आपको
बता दूंगी। अब यहाँ पे इसको थोड़ा बहुत एडजस्ट कर लीजिएगा, यहाँ पे एडजस्टमेंट में आकर इसकी जो यहाँ पे डार्कनेस है जो अच्छा कर दीजिएगा, ताकि इसको व्हाइटनेस जो है अच्छा दिखे और ऐसा लगे कि हाँ रियल में ये पानी में गया है। इसको थोड़ा बहुत आप एडजस्ट कर लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आप वाटर की साउंड लगाना चाहो तो लगा सकते हो, यहाँ पे फिश वाला साउंड वगैरह लगाना चाहो तो लगा सकते हो। यहाँ पे जो हमने यहाँ वीडियो जो एडिट किया है इसमें साउंड है जो नॉइस वगैरह है बाहर की, तो हम इसको मिक्सर पे जाएंगे और इसकी साउंड को जीरो कर देंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं वीडियो जो हमारी कुछ इस तरह से बनकर रेडी हो गई है। अब यहाँ पे क्लिक करना है और वीडियो को सेव कर लेना है अपनी गैलरी में, कुछ इस तरह से जो आप भी वीडियो को बना सकते हो। अब चलो हम दिखाते हैं आपको कि मैंने जो ये मटेरियल डाउनलोड कहाँ से किया है और आप कहाँ से कर सकते हो। गूगल में जाइएगा और गूगल में आने के बाद यहाँ पे आपको सर्च करना है पिक्सेल्स, इस वेबसाइट पे आप चले जाइएगा। वेबसाइट पे जाने के बाद यहाँ पे आपको सर्च में जाना है और सर्च में यहाँ पे आपको लिखना है कलरफुल फिश वीडियो। यहाँ पे आप कलरफुल फिश वीडियो लिखोगे तो आप यहाँ पे वीडियो पे आ जाना, ये फोटो आपको मिलेगा। वीडियो पे आएंगे आपको बहुत सारा, देखो भाई अनलिमिटेड यहाँ पे आपको वीडियो जो मिल जाएगा। तो आप सिंपली क्या करना, ये देखिए यही वाला जो फिश था यही वाला मैं यूज कर रही थी। क्या करना है, वीडियो पे क्लिक करके थोड़ा देर रखना, डाउनलोड वीडियो का ऑप्शन मिलेगा, इस पर आप क्लिक करके डाउनलोड कर लेना। यहाँ पे देखिए डाउनलोड आ गया, मैंने इसको पहले ही डाउनलोड किया था, ये डाउनलोड भी हो गया। यहाँ से आपको बहुत सारा फिश वाला जो वीडियो आपको देखने को मिल जाएगा, इस तरह से आप डाउनलोड कर लेना। अब चलिए मैं बताती हूँ जो इफेक्ट हमने वाटर वाला जो इफेक्ट था वो कहाँ से मिल गया था। वो लिया था हमने यहाँ से, वाटर इफेक्ट हमने सर्च किया था, यहाँ पे इफेक्ट जो है आपको देखने को मिल गया। अब ये तो है, इफेक्ट तो है ही, यहाँ पे देखिए ये वाला है, ये भी आप यूज कर सकते हो। और इस ये लेना चाहो और नहीं तो मतलब यहाँ पे भी आपको मिल जाएगा। और एक और आप सर्च कर लेना ग्रीन स्क्रीन, वाटर ग्रीन स्क्रीन, तो वो भी आपको मिल जाएगा। इस तरह से जो आप यहाँ से भी गैलरी में डाउनलोड कर सकते हो, ये वाला जैसे कि ये वाला है जो कि हमने अपने वीडियो में यहाँ पे यूज किया था, ये देखिए यही वाला था। देखिए मैं आपको बता देती हूँ पहले यहाँ पे देखिए ये इस तरह से जैसे कि हमने इसमें छलांग लगाया था, इस तरह से जो कुछ हमारा वीडियो था। तो आई होप आप लोग को वीडियो अच्छी लगी हो, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। सो आई होप दोस्तों आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक कर दीजिए, साथ में चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा और नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए वो भी कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आज के लिए बस इतना ही।